गुड मॉर्निंग स्टैंडर टेन टूडे वी आर गोइंग टू रीड आवर नेक्स्ट पोएम दैट्स एंड एंड द पोएम टाइटल इज फायर एंड आईसन बाय रॉबर्ट फ्रोस सो स्टूडेंट आज हम लोग अपनी बुक की पोएम सेकेंड पोएम पढ़ने जा रहे हैं फायर एंड आइस जो कि हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक का सेकेंड पोएम है और इसके जो पोएट हैं उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम स्टूडेंट्स सो लेट्स रीड दिस पोएम

सो फायर एंड एंड आइस सिम्बोलाइेज टू अपोजिट थिंग्स ठीक है फायर एंड आइस जो है ये दो अलग अलग चीज़ों के लिए सिम्बोलाइज हुआ है सो बेसिकली इट इज अ सिम्बोलाइजिंग लिक पोयम सो एक बुक है जिसका नाम है डेंटाइज इन्फ्लानो इसमें ये जो पोयम है ये इसी बुक से इंस्पायर्ड हुई है बुक में यह बताया गया है कि जो सीनर्स होते हैं जो यानी जो बुढ़े लोग होते हैं एक हेल ऑफ फायर में रहते हैं फायर सिम्बलाइस डिज़ायर एंड स्नो सिम्बलाइस हेट जो कि नफरत सिम्बलाइज करती है इन दिस पोएम पोएट सेज डैट द वर्ल्ड विल एंड इन टू डिफरेंट वेज दुनिया जो है वो दो तरीक़ों से खत्म होगी पहला फायर और दूसरा आइस कभी कहते हैं कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कर ये यहाँ पर पोएट का ओपिनियन नहीं है पोएट ने लोगों के ओपिनियन को बताया कि कभी कहते हैं कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं ऐसा कहते हैं कि दुनिया का जो अंत है वो फायर यानी कि हमारी डिज़ायर्स की वजह से होगा तो कुछ लोग यह कहते हैं कि इसका अंत आइस यानी कि नफ़रत हेट की वजह से होगा तो अब कभी कहते हैं कि मैं उन लोगों को फेवर करूंगा जो ये कहते हैं कि दुनिया फायर यानी डिज़ायर पर ख़त्म होगी यानी दुनिया जो है अब जो जब दूसरी बार ख़त्म होगी तो वह यह कहते हैं कि इस बार जो दुनिया मैं फेवर करूंगा वो फायर के लिए फेवर करूंगा यानी डिजायर के लिए फेवर करूंगा कि अगर दुनिया को दो बार खत्म होनी होगी तो ये दुनिया आइस यानी नफरत की वजह से खत्म होगी so, हमारा पोयम है इसमें बेसिकली कभी यही समझना चाहते हैं कि दुनिया जब खत्म होगी तो पहली बार खत्म होगी डिजायर यानी हमारी इच्छाओं के कारण खत्म होगी और जब दूसरी बार खत्म होगी तो हमारी नफरत यानी आइस की वजह से So now let's talk about the rhyming scheme of the poem. So we, the rhyming scheme of the poem is A, B, A, B, C, B, C, B. Listen once again. A, B, A, B, C, sorry. A, B, A, A, B, C, and B, C, B. So these are the lines like look at the poem fire, ice, and desire. Fire, आइस एंड डिजायर बोथ द थ्री वर्ड्स आर राइविंग विथ ईच अदर सो इट्स राइमिंग स्कीम इज एकेट एंड आइस ट्वाइस आइस एंड सफाइस ट्वाइस आइस एंड सफाइस इज द बी एंड दी है वो हेट और ग्रेट कि लिया है ठीक है एक बार फिर समझ लीजिए फायर आइस और डिजायर फायर डिज़ायर फायर ये जो दो वर्ड है, हैं ये आए हैं ए के लिए आइस ट्वाइस और आइस ये सफाइस ये आए हैं बी के लिए और हेट और ग्रेट आए हैं सी के लिए तो इसका रेमिस्किन स्क्रीन निकल के आएगा ए बी ए बी ए बी ए बी सी एंड बी सी बी ओके

विल एंड इन फायर वायर जो है वो लाइन वन में आया है लाइन फोर में देखेंगे आई होल्ड विद दो ये सारे जो वर्ड हैं ये एसोनेस के अकॉर्डिंग आते हैं सो दैट इज द पोए रिटन बाय द रॉबर्ट फोस्ट आई होपू अंडरस्टूड इट वेरी वेल सो इट इज़ अ वेरी शॉर्ट पोएम सो इन दिस पोएम पोए Two different ways first word first way is it, it will be end with fire and the second way it will be end with the eyes okay so that's all for today thank you have a nice